ये मेरे ख्याल से यहाँ की सबसे चीप सबसे सस्ती गाड़ी होगी। भाई 35,650 कैश में है, स्पार्क है, 2020 मॉडल है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज हम आ गए हैं आपको एक यूज्ड कार शोरूम, जो कि बहुत फेमस शोरूम है सऊदी अरब का, जिसका नाम है अब्दुल लतीफ जमील। ये आपको सऊदी अरब के ऑलमोस्ट सारे मेन सिटीज़ में अवेलेबल है। ये आप इनकी टाइमिंग देखें, ये सैटरडे टू थर्सडे ओपन रहते हैं 8:30 AM to 1 PM, देन 4:30 to 9 रात के 9 बजे तक इनका खुला रहता है। तो बहुत बड़े स्पेस में ये यूज कार का शोरूम होता है सऊदी अरब का। तो मेरी तो फेवरेट जगह, यहाँ पे हर रेंज की कार अवेलेबल रहती है। आप देखें, अभी आपको एक लेंस से न्यू कैमरी की स्टॉक है, आपके पास फोर्ड्स की कार है, हुंडई है, टोयोटा की ज़्यादा कार्स होती हैं इनके पास। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि कार की कंडीशन कितनी अच्छी है, बिल्कुल क्लीन कार रहती है। और ये ज़्यादातर जो कार रखते हैं वो 5 साल पुरानी कार ही रखते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस का जो स्कीम है, जो फाइनेंस यहाँ से होगा, वो 5 साल पुरानी कार के अंदर ही होगा। तो आप देख सकते हैं कार्स की वैरायटी ऑफ कार्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो भी बजट है, आपको आपके बजट में कार यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, जैसे किया की कार सेराटो या किया की रियो कार आपके अवेलेबल। ये देखिए सबसे बजट फ्रेंडली कार जो अभी मुझे दिखी है, ये शेवरले की स्पार्क है, 2020 मॉडल है। इसकी कैश प्राइस 35,650 है और आप इसमें फाइनेंस भी करा सकते हैं। आइए एक दूसरी गाड़ी देखते हैं, ये है किया रियो 2019 मॉडल है। इसकी कैश प्राइस है 41,000 और ये अप्रॉक्स 74,000 किलोमीटर चली है। तो बिल्कुल क्लीन गाड़ी है, अच्छी कार है। इसमें आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। जो भी गाड़ी 5 साल पुरानी है उसमें फाइनेंस करते हैं, और जो 5 साल से ऊपर की गाड़ियाँ होती हैं इनके पास, उसमें आपको कैश प्राइस पे करना पड़ता है। और सबसे अच्छी खास बात है कि अगर आप यहाँ पे 4 या 5 साल का फाइनेंस कराते हैं और इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेते हैं, तो इनकी जो वारंटी है वो आप का वारंटी के साथ ले सकते हैं। ये देखें, एक टोयोटा की एवेलॉन है 2019 मॉडल, 79,000 ओनली चली है। इसका जो प्राइस है 1,10,005, सो कॉस्टली बट यस, मॉडल 2019 है, बस 2 साल पुरानी कार है, कम चली है। तो अगर आप इसको भी चाहें तो फाइनेंस का ऑप्शन सारी कार में आपके पास अवेलेबल है। और जो फाइनेंस का जो जो चीज़ें हैं, वो जो कैलकुलेशन है, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा आगे चल के। अभी ये देखें, एक टोयोटा का यारिस है 2019 मॉडल, 44,500 कैश प्राइस है। ये गाड़ी भी 110,000 किलोमीटर ही चली है। तो इस तरह की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाती है, बट गाड़ी क्लीन रहती है, गाड़ी अंडर वारंटी देते हैं ये। आप जितने साल का आपका फाइनेंस चलता है, उतने साल गाड़ी की वारंटी होती है। इनका अपना सर्विस सेंटर है जो ऑटो हब नाम से है। तो आपको यहाँ पे बजट की कार आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि जैसे ये देखें, एक किया रियो 2019 मॉडल है, ये हमने देख चुका है, ये ऑलरेडी दोबारा रिपीट हो गया। तो बहरहाल गाड़ियाँ यहाँ पे आपको आपके बजट के हिसाब से अवेलेबल है। और फिलहाल आज के दिन तो गाड़ियाँ कम है, क्योंकि एलेंट्रा और एक्सेंट मुझे बहुत कम दिख रही है। अदरवाइज़ हुंडई के एलेंट्रा और एक्सेंट की भी क्वांटिटी अच्छी खासी यहाँ पे खड़ी रहती है, बट अभी सोनाटा और टोयोटा और लग्जरीज कार ज़्यादा हैं। बस ये जो शेवरले का स्पार्क है और किया रियो है, ये सब जो बजट फ्रेंडली कार्स हैं, ये थोड़ी बहुत अवेलेबल है। ये अब आते हैं एक जो मैं जिसको सेडान की हाथी कहता हूँ, फोर्ड टॉरस। ये गाड़ी एक अवेलेबल है अभी, 2020 मॉडल है फोर्ड टॉरस, 1,01,000 किलोमीटर चली है और इसका कैश प्राइस 85,000 रियाल। तो ये वाकई में एक सेडान की जो सेगमेंट की कार्स होती हैं उसका मैं इसको हाथी कहता हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार है बाय द वे ये फोर्ड की टॉरस। तो ये एक पीस ही यहाँ अवेलेबल है। अब ये देखें, ये जितनी जगह खाली दिख रही है, पहले यहाँ गाड़ियाँ हुआ करती थी। मैं इस उम्मीद से आया था कि आप लोगों को कोरोला का भी कुछ दिखाऊँगा, 1920-22 मॉडल्स, एलेंट्रा मिलेगा, एक्सेंट मिलेगा, बट अभी वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। और बाकी ये देखें, एक लाइन से जो मेरी पर्सनल फेवरेट कार जो है, कैमरी। ये देखें आप, कैमरी 2019 मॉडल है, 1,27,000 किलोमीटर चली और 98,000 रियाल का कैश प्राइस है। तो ऑफकोर्स ये गाड़ियाँ लग्जरी हैं और महंगी होती हैं, तो इसकी प्राइस, और आप अगर मार्केट से कंपेयर करें तो प्राइस अब्दुल लतीफ जमील का कैश प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये इंश्योरेंस और वारंटी के साथ देते हैं और जेन्युइन कार्स की ये जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए इनकी प्राइस मार्केट से थोड़ी ज़्यादा होती है।
तो ये देखे इनका, ये काफ़ी बड़े कंपाउंड में, काफ़ी बड़े स्पेस में इनका ये शोरूम है। और इसके सामने की तरफ उनका सर्विस सेंटर था, और इस तरफ राइट साइड अगर आप देखें, ये जो सामने रोड जा रही है मदीना रोड है, और उनके जस्ट अपोजिट उसके पीछे की तरफ उनका सर्विस सेंटर होता है। तो काफ़ी बड़े स्पेस में डिलीवरी उधर से दी जाती है, जहाँ पर भी देख पा रहे गाड़ियाँ खड़ी, वो सारी डिलीवरी के लिए गाड़ी है जो बिक चुकी है ऑलरेडी। और फिर मैं कोशिश करूँगा दोबारा आने की, क्योंकि अभी स्टॉक कम है, और जब स्टॉक इनके पास वैरायटी ज़्यादा होगा तो मैं आप लोगों को आकर इन्फॉर्मेशन दूँगा। क्योंकि आप में से जो चाहें, जो जद्दा में रहते हैं, जद्दा का स्टॉक देखकर आप लोग अगर ख़रीदने का चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कार कौन कौन सी अवेलेबल है। तो कोशिश करूँगा मैं एक और विजिट के, फिलहाल चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कैसी कौन सी कार अवेलेबल है, क्या स्कीम है। तो ये है एंट्री, जो अंदर का शोरूम है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस भी अंदर ही होता है, कैशियर हैं इधर, डिलीवरी ऑफिस, मस्जिद है, वाशरूम्स है, तो काफ़ी बड़ा शोरूम है। तो अभी हम चलकर चेक करते हैं कि एक दो कार की डिटेल्स लेता हूं मैं, आपको दिखाता हूं कि क्या कैलकुलेशन होता है अगर आप कार फाइनेंस कराते हैं, इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं, तो वो आपको भी मैं दिखाता हूं। ये सारे ब्रांड्स के ऑलमोस्ट कार रखते हैं, बट इनका मेन जो फोकस है टोयोटा हुंडई पे ही रहता है, बाकी आपको मज़दा शेवरले और निशान की कारें थोड़ी कम मिलती है। बाकी किया के भी स्टॉक्स अभी काफ़ी इनके पास है, जैसे किया स्पोर्टेज अभी न्यू जो अंदर खड़ी है, बहुत सारी किया स्पोर्टेज जो इधर खड़ी है और उधर है। ये सारे जो सामने सेल्स टीम बैठी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपको फाइनेंस का कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं, आपकी सैलरी के हिसाब से आपका किस अकाउंट में आपका बैंक है उस सबसे डिफर होता है थोड़ा बहुत अमाउंट। तो अभी मैं एक गाड़ी की डिटेल लेने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या कैलकुलेशन है, और हम फाइनेंस कराते हैं तो क्या पे करना पड़ता, डाउन पेमेंट के साथ क्या पे करते हैं, और विदाउट डाउन पेमेंट हम कैसे ले सकते हैं। तो चलें बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने किया रियो जो आपको दिखाया था अभी वीडियो में, उसका मैंने फाइनेंस स्कीम इनसे पूछा था एक आइडिया लेने के लिए कि विद डाउन पेमेंट और विदाउट डाउन पेमेंट आपका क्या स्कीम है। तो ये 41,400 की जो कैश प्राइस थी, अगर हम डाउन पेमेंट 8,625 करते हैं तो हमें मंथली पे पड़ रहा है 901, यानी कि 901 रियाल हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा और लास्ट पेमेंट हो जाएगा 8,280 रियाल। तो ये 8,280 को भी आप एक साल में इंस्टॉलमेंट पे लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो टोटल प्राइस हो रही है कार की विथ एवरीथिंग 60,496, तो यानी 41 की कार आपको 60 में पड़ रही है, इट मीन्स आपको 19,000 रियाल आपको 4 साल में एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ये है विथ डाउन पेमेंट। अब आपको मैं दिखाता हूँ विदाउट डाउन पेमेंट का क्या है इनके पास। ये आ गया जीरो डाउन पेमेंट। तो सेम कार, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट मैं आइडिया लेने के लिए, डाउन पेमेंट इसमें हम जीरो दे रहे हैं, तब इसका मंथली पे 1139 आ रहा है और लास्ट पेमेंट इसका 8280 आ रहा है। तो लेफ्ट साइड का जो भी है आफ्टर टैक्स है, तो उस अमाउंट को ही हम कंसिडर करेंगे। और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फी है 444, तो इसका जो टोटल हो रहा है 1553 हो रहा है फर्स्ट टाइम, बट नेक्स्ट मंथ से आपको 1139 ही पे करना पड़ेगा मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, तो ये गाड़ी हमें पड़ रही है 63,000 की, यानी 21,000। अगर आप जीरो डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आप 21,900 यानी 22,000 रियाल एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, यानी 41 की कार आपको पड़ रही 63,000 की आपको 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे। तो ये दो आपके लिए मैंने एग्जांपल देने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए, दो मैंने जो सेल्स के जो बंदे एक बैठे थे उनसे मैंने पूछा कि अगर मैं डाउन पेमेंट देता हूँ, विदाउट डाउन पेमेंट देता हूँ तो क्या कैलकुलेशन होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप रोक के देख लें और अपने हिसाब से, डाउन पेमेंट के हिसाब से इसके कैलकुलेशन को वेरी कर सकते हैं। ये देखें भाई साहब, ये है कंप्लीट ऑफ रोड कार जिसको आप कहते हैं, ये टोयोटा की लैंड क्रूजर है और 2021 मॉडल है। इसकी प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखा जाए तो पिकअप कार है, ये कॉमर्शियल कार है, और इसके टायर्स देखें आप, ये पहाड़ हो, गड्ढे हो, कहीं भी निकल जाएगी भाई साहब। अभी इसकी प्राइस दिखाते हैं, इसका लुक देखिए कितना टफ लुक है गाड़ी का, कंप्लीट ऑफ रोड कार। इसकी प्राइस है 1,49,840, यानी कि 1.5 लाख रियाल, इट मींस ऑलमोस्ट इंडियन 30 लाख रुपए की ये कार है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार है और ये 2021 मॉडल है। तो ये
इस इतनी भारी प्राइस के साथ अपने ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।